अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट रिपोर्ट। तो स्टूडेंट रिपोर्ट में ये होता है कि अगर आप जो है कॉलेज में या फिर स्कूल लेवल पे कोई रिपोर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें आप जो है कोई फोटो ऐड करना चाह रहे हैं, टाइटल वगैरह, तो सबसे पहले ये देखें मेरे पास एक सैंपल है यहाँ पे रिपोर्ट का। तो यहाँ पे मैं जो है बताऊंगा, तो आपने जो है वो यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करना है, यहाँ पे जो है वो चेंज करनी है, अपनी पिक्चर्स वगैरह कोई ऐड करना चाह रहे हैं सिंपल, उसको क्रॉप करना जितना आप यहाँ से कर सकते हैं, देखें जरा। इसके बाद जो है वो अगर यहाँ पे रिपोर्ट का टाइटल नेम लिखना है आपने, तो कोई भी टाइटल, कोई नेम वगैरह, कोई बुक का लिखना चाह रहे हैं, कोई सी भी चीज की रिपोर्ट आप लिखना चाह रहे हैं वो आपने लिखना है। रिपोर्ट का सब टाइटल जो है वो आपने नीचे लिखना है। उसके बाद जो है वो नेम लिखना है आपने अपना, या फिर कोई रिपोर्ट का वो आपने लिखना है। यहाँ पे कोर्स का टाइटल, डेट लिखनी है, जिस तरह मैं यहाँ पे देखूँ। तो अगर मैं फॉन्ट्स की बात करूं, यहाँ पे किस तरीके का आपने जो है वो फॉन्ट्स को रखना है यहाँ पे वो देखें। इसके बाद यहाँ पे साइज उसका देखें, ये लाजमी चीजें आपने करनी है यहाँ पे। उसके बाद उसको बोल्ड करना है आपने, इटालियन में आपने करना है, ये देखें जरा, अंडरलाइन करना है आपने। इसके बाद जो है वो हाईलाइटिंग आप देखें कि बैकग्राउंड कलर जो है वो किस तरीके से आपने यहाँ पे चेंज किया है। ये कलर्स है काफी सारे जिसको आप जो है वो चूज करना चाह रहे हैं, देखिए जरा, ये देखिए कलर्स हो गए। इस तरीके से आपने जो है वो कलरिंग करनी है अपनी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे फॉन्ट कलर्स हैं वो आप देखिए किस तरीके से फॉन्ट कलर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बुलेट्स अगर ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर दें अपने नेम के साथ, जो है वो एक बुलेट्स कोर्स टाइटल के साथ हेडिंग्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये नंबर ऑफ फॉन्ट्स हैं, किस तरीके का आपने नंबर ऑफ फॉन्ट्स का साइज रखना है, ये 1 है, ये देखें जरा, ये साथ जो है वो ब्रैकेट आपके सामने शो है। इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर्स हैं, ये देखें जरा, जिससे मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, ये आपके सामने इस तरीके का शो होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद स्टाइल्स हैं, किस तरीके का आप हेडिंग या सब टाइटल या फोटो टाइटल को हेडिंग जो है वो करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं स्टाइल को, आपने जो है वो सिंपल यहाँ से क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने जो है वो रिपोर्ट का ऊपर जो है पिक्चर्स ऐड करनी है, रिपोर्ट का टाइटल लिखना है, रिपोर्ट का सब टाइटल लिखना है और नेम वगैरह, कोर्स टाइटल, डेट आपने एंटर करनी है। इसके बाद आते हैं हेडिंग में। हेडिंग में आपने जो है वो रिपोर्ट्स का टाइटल लिखना है, जिसमें आपने बताना है कि रिपोर्ट जो है वो किसके रिलेटेड है, क्या क्या चीजें रिपोर्ट में एंटर आपने करनी है वो आपने एंटर करनी है। हेडिंग 2 में आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, उसकी बॉडी वगैरह वो ऐड करनी है आपने। उसके बाद आप टाइप्स अगर लिखना चाहते हैं टाइप्स एंटर कर दें। उसके बाद कोई मेथड्स है रिपोर्ट्स का वो एंटर कर दें। एंड में आप जो है वो कंक्लूजन ऐड कर दें, इससे जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो एक इंटरेस्टिंग होगी, उसके बाद एक यूनिक होगी, क्रिएटिविटी आएगी आपकी रिपोर्ट में। इस तरीके से आप जो है वो रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं वर्ड से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।